أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरह मायदा है जी, आयत नंबर 93 से आज पढ़ेंगे। अल्लाह सुबहाना व तआला फरमा रहे हैं, लैसा अलल लजीना आमनु फामिलु सालिहाती, जो ईमान वाले नेकोकार अफराद हैं, नहीं है जुनाहुन गुनाह फीमा, इसमें ईमान वालों के लिए जो नेकोकार भी हैं कोई गुनाह नहीं इस बात में, तईमू जो खा लें वो इज़ा, जबकि मत्तको उन्होंने तकवा अख्तियार किया। ईमान वाले जो नेकोकार अफराद हैं, जो वो खाते पीते हैं उसमें कोई गुनाह नहीं उन पर, जबकि मुत्तकीन है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि इंतहा परस्ती नहीं करनी। दुनिया में ना दो इंतहाई पाई गई मजाहब को लेकर, खास तौर पर ईसाइयों में, यहूदियों में भी। राहब बन जाओ भाई, दुनिया छोड़ दो, अच्छा खाना नहीं, शादी नहीं करनी, कपड़ा नहीं अच्छा पहनना, मोटा पहनना है, जूता पहनना है, या फिर नंगे ही घूमना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाल नहीं बनाने, आपको पता है ये ओथ ले लेते थे मुख्तलिफ तरह की, ईसाइयों में भी ये चीज आई, यहूद ने ही आगाज की थी, ईसाइयों में भी आई कि जी मैं तो सारी उम्र तंगी नहीं करूंगा, मैं नहाऊंगा ही नहीं, मैं बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, मैं नरम खाना कभी नहीं खाऊंगा, मैं कभी ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, सो ऑन सो फोर्थ। अल्लाह कहते नहीं, खाने पीना जो है हलाल हो जाए, जो भी हमारी चीजें हैं, और सिर्फ खाना मुराद नहीं है, मतलब है कि जो भी जिंदगी में है, खाना पीना, रहना, अच्छा कपड़ा पहन लेना, अपनी हैसियत के मुताबिक शादी करना, बीवी बच्चों को टाइम देना, जिंदगी एक इंसान की जैसे एक नॉर्मल लाइफ होती है वो गुजारना, अल्लाह कहते कोई गुनाह नहीं है, जबकि वो मुत्तकी है। वह आमन वो ईमान लाए, वामिलुस सालिहाती नेक अमाल की उम्मत तक और मुत्तकी रहे, वामन उस उम्मत तक हो और अपने ईमान पर कायम रहे और तकवा पर कायम रहे, वह आसन हो और उसने अमल किया, बेहतरीन अमाल किए। यानी के मतलूब ये है कि तुम ईमान पर कायम रहो और तकवा अख्तियार करो और अच्छे अमाल करो, तकवा से अपने आप को बढ़ाकर एहसान के दर्जे तक लेकर आओ। ये मतलूब नहीं कि खाना ना खाओ, भूखे रहो, ये सब मतलूब नहीं है, मकसूद नहीं है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, लयब्लुवन्नकुम, जरूर तुमको आजमाएगा अल्लाह, अल्लाह भी शयइन, एक हद तक, एक चीज के साथ, मिनस सईदी, शिकार में, तनालुहू, पालेंगे उसको, पालेंगे मतलब के बढ़ाना नहीं, पालेंगे, हासिल कर लेंगे उसको, अईदीकुम तुम्हारे हाथ, व रिमाहुकुम तुम्हारे नेजे, लियालम अल्लाह, ताकि अल्लाह जान ले, मैं यखाफुहु, कौन डरता है उससे, बिलगैबी, बिना देखे। ए ईमान वालो, अल्लाह तुम्हें आजमाएगा इस तरह के शिकार तुम्हारे नेजों की पहुंच में आ जाएगी, ताकि मैं देखूं कौन बिना देखे डरता है। ये मीना की बात हो रही है, एहराम की हालत में शिकार नहीं करना, तो अल्लाह कहते सामने भी आ जाए तो शिकार नहीं करना। उस जमाने में भाई रेफ्रिजरेटर तो होते नहीं थे, तो फ्रेश फूड ही होता था, फूड का सबसे बड़ा सोर्स क्या था? शिकार। तो शिकार सामने आ जाए और आप मुसाफिर भी हैं और आप ना करें शिकार, तो ये मुश्किल था, तो अल्लाह ने कहा ये आजमाइश तो होगी। पमानी का ना बादा जालिका, इस वजाहत के बाद भी जो हद से बढ़ेगा, फला हुआ अज़ाबुन अलीम, उसे अज़ाब अलीम मिलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक्तुलू सईदा वअंतुम हुरुम, शिकार को कत्ल नहीं करो जबकि तुम हालत अहराम में हो, यानी कि शिकार नहीं करोगे हालत अहराम में। वमन कतलहू, जिसने मार डाला शिकार को, मिनकुम तुम में से, मुतअम्मिदन इरादे के साथ, फजज़ा उन, तो बदला है, मिस्तू जैसे कि माँ कतला, जिसने कत्ल किया, मिनन नामी चौपाइयों में से, अगर किसी बंदे ने हालत अहराम में शिकार किया और जानवर को शिकार कर लिया, तो उसे उसका फिदिया देना पड़ेगा और वो फिदिया होगा उतना ही जितना एक किसी का पालतू मवेशी मार देने की इस सजा के तौर पर फिदिया देना पड़ेगा, और उसको तय करेंगे उलमाए वक्त, अल्लाह बता रहे हैं, या तो वो फैसला करेंगे भी उसका, जवा अदल मिनकुम, तुम्हारे दरमियान दो आदिल लोग। अगर किसी बंदे ने अहराम बांधा हज का या उम्रे का, उम्रे में तो ज्यादा टाइम होता नहीं है, तो आमतौर पर ये हज का मसला है, और उसने हालत अहराम में शिकार कर लिया, तो अब उलमा से राबता किया जाएगा, उलमा वक्त, वक्त के मुताबिक जो जानवरों की कीमत है उसको देखते हुए पालतू जानवर की कीमत के बराबर जो है फिदिया लागू करेंगे।
जो देना होगा अल्लाह की राह में। अब इसमें यह है कि एक तो जानवर पर भी डिपेंड करना है ना, कौन सा जानवर मारा है, खरगोश मारा है कि हिरन मारा है कि जराफा मारा है, कौन सा जानवर शिकार किया है, और उसके साइज के अलावा फिर चीज की कीमत भी होगी, फिर जिसने शिकार किया उसकी माली हालत कैसी है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही फैसला होगा। हाँ दियन बतौरे कुर्बानी बालिगल काबा थी, जो काबा पहुंचने वाली है, यानी या तो जानवर दिया जाएगा जो काबा पहुंचाकर यानी कि मीना में कुर्बान किया जाए, औ कफारा तुम, या फिर खाना खिलाया, कफारा होगा तामू मसाकीन, चंद मसाकीन को खाना खिलाना, यानी इसका जो कफारा होगा या तो कुर्बानी दी जाएगी, अब कुर्बानी किस चीज की दी जाए ये भी डिसाइड किया जाएगा, या फिर किसी मिस्कीन को खाना खिलाया जाए, ओ अदलू गालिका सियामन, या फिर उसके बदले में रोजे रखे जाएंगे। अब किसको कौन सा फिदिया देने का कहेंगे उलमा, ये उलमा केस की नौयत पर गौर करके फैसला करेंगे, क्योंकि इसमें क्या क्या देखा जाएगा, कौन सा जानवर हलाक किया गया, जो हाजी है जिसने ये गलती की है उसकी माली हालत कैसी थी, सिचुएशन क्या थी, ये सारी चीजें देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा। अगर किसी के पास पैसा है ही नहीं और हो गई उससे गलती, तो जाहिर उसे रोजे रखने को कहा जाएगा। अब अगर कोई साहिब हैसियत है तो उसे कहा जाएगा कुर्बानी पेश करो। अब अगर कोई ऐसा बंदा है कि ना तो वो रोजे रख सकता है, बूढ़ा है या मरीज है, और बहुत माल भी नहीं है उसके पास कि कुर्बानी दे दे दम के तौर पर, फिर अब क्या करे वो कफारे में चंद मसाकिन को खाना खिला दे, किसी एक दो को खाना खिला दे जो उसकी हैसियत है, तो ये फिर उलमा जो है ना वो डिसाइड करेंगे। लियाजू का वबाला अमरी ही, ताकि वो अपने किए का मजा चखे, गलती की है तो उसकी सजा काटे। अफल्लाहु अम्मा सलफ, जो पहले हो चुका वो अल्लाह ने माफ कर दिया, यानी इससे पहले अगर कभी जिंदगी में गलती की है तो वो खत्म। वमन आदा, अब जो दोहराएगा, फयन्तकिमुल्लाहु मिन्हु, अल्लाह उसे बदला लेगा, वल्लाहु अजीज ओ इंतकाम, अल्लाह गालिब है और बदला देने पर कादिर है। अहिल्ला लकुम, हलाल किया गया तुम पर, सईदुल बहरी समंदर का शिकार, हालत हराम में ना, व तआमुहु उसका खाना, मतान नफा बख्श है लकुम तुम्हारे लिए, वली सियारती और मुसाफिरों के लिए भी, हालत एहराम में समंदरी शिकार कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए और मुसाफिरों के लिए खाने का सामान है। असल में समंदर में सफर होता है, पहले ज्यादातर बहरी जहाजों से लोग आते थे, तो 6-6 महीने का सफर है, और उस जमाने में रेफ्रिजरेटर भी नहीं थे, तो फिर कैसे फूड स्टोर होगा, क्या खाएंगे, कुछ तो चाहिए, तो यही था कि मछली पकड़ी और खाई, तो अल्लाह ने कहा वो पकड़ भी सकते हो खा भी सकते हो। वहुरिमा, हराम किया गया, अलैकुम तुम पर, सईदुल बरी खुशकी का शिकार, मा दुम तुम हुरुमा, जब तक तुम हालत एहराम में हो, जब एहराम की हालत में हो तो खुशकी पर शिकार नहीं कर सकते, खाना हराम नहीं है करना हराम है, अगर किसी गैर हाजी ने शिकार किया और उसने हाजियों को लाकर खिलाया तो वो जायज है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, वो अल्लाह जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाने वाले हो, जालल्लाहु, अल्लाह ने बना दिया, अलकाबा काबा को, अलबैतल हराम हुरमत वाला घर, इज्जत वाला घर, काबा को अल्लाह ने हुरमत वाला घर बनाया, कयामन कयाम का जरिया है, लिन्नासी इंसानों के लिए, इंसानों के कयाम का जरिया है, यानी कि इसके जरिए उम्मत की मरकजियत कायम है, बस शहरल हरामा, और ये महीना भी मुहतरम है, हराम है, हज का जो महीना है, वल हदिया और कुर्बानी के जानवर, वल कलाइदा और पट्टे वाले जानवर, ये भी हराम है, हराम से मतलब कि इनको लूटा नहीं जा सकता छीना नहीं जा सकता, कुर्बानी का जानवर जो हाजी ने खरीद लिया, और पट्टे वाले जानवर जो ताजिर लेकर आते हैं हाजियों को बेचने के लिए, उनकी हिफाजत भी जरूरी है ना, अगर वो हिफाजत नहीं उनकी होगी तो फिर हाजियों को कुर्बानी का जानवर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, जालिका ली तालमु, ये सब है ताकि तुम जान लो, अन्न अल्लाह, बेशक अल्लाह यालमु जानता है, माफी समावाती व माफी लर्ज, जो आसमानो जमीन में है, अल्लाह कहते हैं ये सारे अहकाम मैंने तुम्हें बयान कर दिए ताकि तुम जान लो कि अल्लाह आसमानो जमीन की हर बात जानता है, वह अन्न अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। तो काबा हराम है, यानी वहां पर जंग करना लड़ना हराम है, हज का महीना हराम है, उसमें जंग करना हराम है, और कुर्बानी के लिए लिए गए जानवर या कुर्बानी के लिए लाए गए जानवर यानी बेचने के लिए लाए गए जानवर, उनका लूटना भी हराम है, ताकि हज के जमाने में अमन रहे, हज के इलाके में अमन रहे। ईलमु, जान लो, अन्न अल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सख्त सजा देने वाले हैं, वह अन्न अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह बख्श देने वाले हैं, यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर तुम फरमा बरदारी करोगे तो मैं बख्श दूंगा, मैं बहुत बख्श देता हूँ, और अगर तुम
बात नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी, क्योंकि मैं सजा भी देने वाला। मा अलर रसूली, नहीं है रसूल के जिम्मे इलल बलाग मगर पैगाम देना। रसूल का जिम्मा तो सिर्फ पैगाम देना है, सजा का या जजा का फैसला अल्लाह करीम फरमाएंगे। वल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है। मा तुबदूना, जो तुम छुपाते हो। वमा तक्तुमून, तुबदूना जो तुम दिखाते हो। वमा तक्तुमून जो तुम छुपाते हो। तुम जो छुपाते हो, जो जाहिर करते हो, अल्लाह को सब पता है। यानी अगर तुम मुनाफिकत कर रहे हो, ड्रामे कर रहे हो, सब अल्लाह जानता है। कुल ला यस्तवील खबीस व तय्यिब, कहो नापाक और पाक बराबर नहीं होंगे। वलो आ जबा का, अगरचे अच्छी लगे आपको कसरतुल खबीस, नापाक चीजों की कसरत। यानी कि जिस चीज को नापाक करार देते हैं, अगर वो नापाक है। अच्छा, इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि उरियानी अल्लाह ने नापाक करार दी, फहाशी ना पाक करार दी। तो आप देखें कि एक खातून, दो सगी बहनें हों और शक्ल सूरत में भी एक जैसी हो, तो एक बच्ची ने बाया पहना हुआ है, वेल किया हुआ है, जाहिर कोई पता नहीं चल रहा, बिल्कुल सादा है। दूसरी जो औरत है, उसने खूब फैशन कर रखा है और खूब वो तैयार हुई हुई है, और जैसे आजकल होता है अपना हुस्न दिखा रही है। अब देखने में तो वो अच्छा लग रहा है, लेकिन बहरहाल हलाल और पाक पाक है, और हराम और नापाक नापाक है। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, ऐ अक्ल वालो अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि फलाह पाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तसअलू, सवाल मत किया करो। अन अशिया, आ उन चीजों के बारे में। इन अगर तुबदा जाहिर कर दी जाए, लकुन तुम पर, तो सुकुन तो तुम्हें बुरी लगेंगी। उन चीजों के बारे में सवाल मत करो जो पता लग गई तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी कि यहूद जो थे ना, वो सहाबा को आमादा करते कि ये पूछो वो पूछो, तो सहाबा मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन करते। तो अल्लाह ने कहा कि बेकार सवाल मत किया करो, जितना बताया जाए उसके ऊपर अमल करो, क्योंकि बहुत सारी चीजों से मैं दरगुजर करता हूँ। मैंने हुक्म दे दिए तो तुम निभा नहीं पाओगे। हुमैन तसलु, अगर तुम सवाल करोगे अनहा चीजों के बारे में, ही ना इस वक्त में, युनज़्ज़लुल कुरआन, जब कुरान उतर रहा है, तुबदा लकुम, वो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। अगर तुम अहकाम को बहुत बारीक खोदोगे कुरेदोगे, तो कुरान जबकि भी उतर रहा है तो तुम पर उसके अहकाम वाजे कर दिए जाएंगे, फिर तुम निभा नहीं पाओगे। अफअल्लाहु अनहा, अल्लाह ने तुमसे दरगुजर किया है। वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह बख्श देता है, अल्लाह मेहरबान है। बहुत सारी चीजों में हमें आसानी दे दी गई है ना, तो उन आसानियों को कबूल करना चाहिए। कद बेशक सा आलाहा, सवाल किया था उनके बारे में कौमों ने, कौम ने, मैं कबली कुम, तुमसे पहले, सुम्मा असबहू बिहा काफरीन, फिर वो खुद भी काफिर हो गए। तुमसे पहले भी एक कौम थी, यहूद की बात हो रही है, जो बहुत ऐसे सवाल उठाते थे और फिर वो काफिर हो गए। यानी कि फर्ज करें कि फल हलाल है, सबको पता है फल हलाल है। अच्छा जी, हम इस फल के साथ मिला के खा सकते हैं, हम खाने से पहले खा सकते हैं, हम खाने के बाद खा सकते हैं, हम खाने के बीच में खा सकते हैं, हम खड़े होके खा सकते हैं, हम बेड पे लेट के खा सकते हैं, इस तरह की बारीकियां निकालना। जैसे यहूद जो है ना, हफ्ते के दिन के बारे में उन्होंने किया, हफ्ते के दिन का हुक्म ऐसा ही था जैसा हमारा जुम्मे के दिन का था, मगर फिर उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए कि जी खाना पका सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, नहा सकते हैं, अच्छा मैं काम ना करूं, मेरा गुलाम कर सकता है। इनकी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह इन पर ये चीजें बंद करते गए, तो यहाँ तक के सबका वो हुक्म सामने आया जो आज हम जानते हैं कि इस दिन ये कुछ भी नहीं कर सकते, खाना भी ये जुम्मे को पका के रखेंगे कि हफ्ते को खाएं, खाना पकाना भी बना। तो अल्लाह ने कहा कि ऐसे सवाल मत करो। अब यहूद ये पटियां पढ़ाते थे ना सहाबा को, तो सादा मिजाज सहाबा पूछ लेते थे, तो अल्लाह ने कहा मत पूछो, जो हुक्म जितना बताया कि उतना अमल करो बस। मा जाल अल्लाह, नहीं बनाया अल्लाह ने, मिन बहीरा, कोई बहीरा, वाला साहिबा, ना साहिबा, वाला वसीला, ना वसीला, वाला हाम, ना हाम, कोई बहीरा साहिबा वसीला हाम नहीं बनाया। ये मुख्तलिफ मन्नतों के जानवरों के नाम थे, यानी कि जैसे अगर एक ऊंटनी ने 10 मुसलसल नर बच्चे दे दिए, तो अब वो कहते थे कि इस पर जो है ना वो नहीं होगी, सवारी नहीं होगी, ये हमारे बुत के नाम पर आजाद है। बुत सबके अलग अलग थे, जिसका जो बुत हो, तो वो उसको बहीरा कहते थे। तो मुख्तलिफ मन्नतों पर जो जानवर आजाद करते थे ना, ये उनके नाम। वला किन्न लजीना कफरू, लेकिन वो जो काफिर हैं, यफ्तरून अलल्लाही कज़ीबा, वो अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं। वाक्सरहुम ला याकिलून, और उनकी अक्सरियत अकल नहीं रखती। जैसे हमने बनाए हुए ना बीबी पाक दामन का मोजा, 10 बीबियों का मोजा, और पता नहीं क्या क्या है, फिर 11वीं की न्याज है, फिर जी सुलेमान अलैहि सलाम की कड़ाही है, बीबी आस की न्याज है, और पता नहीं कौन कौन सी न्याज नजरें हमने बना रखी है। तो इसी तरह वो भी करते थे।
हमारे पास खाने पकाने की चीजें ज्यादा है, हम पका पका के बांट देते हैं। उन लोगों के पास सबसे जो आसानी से अवेलेबल चीज थी वो जानवर थे, क्योंकि वो जानवर पालते थे। जानवर पालना बार बर्दारी, जानवरों की परवरिश जो है ये उन लोगों का बार बर्दारी, इसे कुछ और कहते हैं, बार बर्दारी तो बोझ उठाने को कहते हैं, जानवर पालना। बहरहाल ये उन लोगों का पेशा था, तो वो आसान था, उनको घर से निकलता था ना जानवर, तो आसान था जानवर सदका करना। तो वो फिर खुदाओं के नाम पर, अपने बुतों के नाम पर खुला छोड़ देते थे, और मुख्तलिफ मन्नतों में मुख्तलिफ नाम रखे हुए थे कि ये इस मन्नत के लिए, ये इस मन्नत के लिए। तो अल्लाह ने कहा मैंने कुछ नहीं बनाया, ये इन्होंने झूठी बातें बना रखी है। वह रिजा जब कीला कहा जाता है, लहम उनसे तआलो आओ इला मा अंजलल्लाहु, उस कलाम की तरफ जो अल्लाह ने उतारा, वेल रसूलिया रसूल की तरफ, जब उनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह के उतारे कलाम की तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कालू कहते हैं हसबुना मा वजदना अलैहि आबा आना, हमें वो दीन काफी है जिस पर हमने अपने अजदाद को पाया। अवलौ काना आबा उहुम ला यालमून शैअन वला यहतदून, अगर चुन के बाप दादा ना इल्म रखते हैं किसी चीज का, ना हिदायत याफ्ता हो। हमारा भी आजकल यही मसला है ना, आप कुरान और सुन्नत किसी के सामने रखते हैं कि ये फलां चीज इस्लाम में नहीं है, वो कहता है हमारे तो अजदाद यही करते थे। तो आपका रब आपसे पूछ रहा है कि अगर चुन के बाप दादा अकल ना रखते हो फिर भी यही करोगे, इल्म ना रखते हो फिर भी यही करोगे। कितनी चीजों में हम आगे बढ़ आए हैं ना, कितना कुछ था। आप देखें एक छोटी सी बात, ये चिकन पॉक्स वगैरह निकल आते थे तो नहलाना नहीं है, लेकिन अब डॉक्टर कहते हैं रोज नहलाओ, बल्कि दिन में अगर गर्मी का मौसम है तो 2 दफा नहला दो, जितना हो सके उसको साफ सुथरा करो बॉडी को। तो करते हैं ना हर चीज को, जो साइंस चेंज कर रही है हम मानते हैं, तो दीन में वही जिस चीज को चेंज करते हैं उसे क्यों नहीं मानते। वहां हम अम्मा अब्बा के नाम पे रट लगा के बैठ जाते, तो आबा परस्ती ना दीन की राह में बहुत बड़ी रुकावट। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों तुम पर तुम्हारी जिम्मेदारी, यानी अपनी जान को जहन्नुम से बचाना तुम्हारा फर्ज है। ला युज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला, नहीं नुकसान पहुंचाएगा तुम्हें जो गुमराह है, इज़ा तदई तुम, अगर तुम हिदायत पर, अगर तुम हिदायत पर चलोगे तो जो गुमराह हो गया वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इल्लल्लाह ही मरजीकुम जमीयन, तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाने वाले हो। फयुनब्बीहुकुम, वो तुम्हें आगाह करेगा, बिमा कुंतुम तामालुम, तुम्हारे आमाल से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, शहादतु बैनिकुम, आपस में गवाही रखो, इजा हदर, जब हाजिर हो आए, अहदकुम, तुम में से किसी एक के लिए, अलमौत, मौत का वक़्त, हीनल वसीयती, और वो वसीयत करे, इस्नानी, दो, जवा अदलिन, आदिल लोग हो, मिनकुम तुम में से, वा आखरानी, या फिर दो हो, मिन गैरिकुम, दूसरों में से, इन अंतुम, अगर तुम हो, दरबतुम, सफर में, फिल अर्दी, जमीन में, फा असाबतकुम, और आन पहुंचे तुम्हें, मुसीबतुल मौत, मौत की मुसीबत। ऐ ईमान वालों, अगर तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए, वो वसीयत करना चाहे, तो दो गवाह मुकर्रर किए जाए, मुसलमान, अगर मुसलमान अवेलेबल ना हो तो गैर मुस्लिम भी दो ही होंगे जो गवाह बनाए जाएंगे, मगर आदिल हो। और ऐसा जरूरी है वसीयत के वक्त गवाह बनाना, खास तौर पर जबकि तुम सफर में हो। तहबिसू नहुमा, रोक लो उन दोनों को, मिन बादिस सलाती, नमाज के बाद, फयुक सिमानी, फिर वो दोनों कसम खाएं बिल्लाही अल्लाह की, इन तब तुम, अगर तुम्हें शुबा है, अगर तुम्हें शुबा हो कि इनकी गवाही दुरुस्त नहीं है, तो उन्हें रोक लो, नमाज के बाद वो दोनों अल्लाह के नाम की कसम उठाएंगे और कहेंगे ला नश्तरी बिही समनन, हम इसके बदले कोई पैसा नहीं ले रहे, हमने कोई गवाही नहीं बेची, वलव काना ज़ा कुर्बा, अगर जो वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वला नक्तमु नक्तमु शहादतन, हम गवाही फिर भी नहीं छुपाएंगे, अल्लाह ही, ये अल्लाह की तरफ से गवाही है हमारे पास, इन नज़ल्ला मिनल आसमीन, ऐसा किया तो हम गुनहगार होंगे, यानी वो कसम उठाएंगे अल्लाह के नाम की कि अल्लाह की कसम हमने पैसे लेकर गवाही नहीं दी, हम जो गवाही दे रहे हैं वो सच्ची गवाही है, हमें कोई परवाह नहीं अगर चाहे हमारे करीबी अजीज की तरफ भी जाती हो, और अगर हमने छुपाया तो हम गुनहगार हो जाएंगे। फाइन उसीरा, अगर इतला पाए, अला अन्नहुमा, के बेशक वो दोनों इस्तहक्का मुस्तहक हैं इस्मन गुनाह के, फआखराना, तो दूसरे दो, यकू मानी, खड़े होंगे, मका महुमा, उनकी जगह, अगर लोगों को ये महसूस हो जाए कि वो दोनों गुनाह ही के मुस्तहिक हो रहे हैं, यानी कि झूठ बोल रहे हैं, तो दूसरे दो लोग उनकी जगह खड़े हों, मिनल लजीन इस्तहक्का अलैहिमुल अव्वलियान, उन लोगों में से जिन पर हक साबित हो गया, दो करीब तरीन शख्स, फयुक सीमानी, और वो कस्में खाए बिल्लाही अल्लाह की, शहादतुना, के हमारी गवाही अहक तो ज्यादा दुरुस्त है, मिन शहादतिहिमा, इन दोनों की गवाही से, वमई तदैना, हम कोई ज्यादती नहीं कर रहे, इन नजल मिन जालिमिन, ज्यादती करें तो हम जालिम होंगे, यानी के अगर कोई शख्स सफर में है और उसको मौत का वक्त उसकी आ गया, तो दो गवाह बनाए जाएंगे, जो उसकी वसीयत, उससे वसीयत करनी है तो
दो गवाह बनाए जाएंगे जो आकर उसकी वसीयत बयान करेंगे। अब अगर तो घर वाले वसीयत कबूल कर लेते हैं फिर तो वैसे ही बात खत्म हो गई, लेकिन अगर घर वाले कहते हैं कि नहीं जी हमारे अब्बा तो ये वसीयत कर ही नहीं सकते थे, अब उन दोनों गवाहों को रोक लिया जाएगा। जो भी अगली नमाज है जोहर असर, नमाज के बाद नमाजियों को भी रोक लिया जाएगा और वो उन लोगों से कहा जाएगा कि आप हल्फिया अपना स्टेटमेंट दें। तो वो अल्लाह की कसम उठाकर कहेंगे कि हम अल्लाह की कसम खाकर, वन बाय वन ऑब्वियसली, कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी गवाही बिल्कुल सच्ची है, मैंने पैसे के लिए गवाही नहीं दी, ना मैं अपनी गवाही बेच रहा हूँ, और मेरा कोई करीबी अजीज भी होगा तो मैं अपनी गवाही नहीं बदलूंगा, और मैं अगर गवाही बदलने का गुनाह करूं, अगर मैंने वसीयत के बारे में झूठ बोला हो तो इसका सारा जिम्मा मुझ पर है, मैं गुनाहगार हूँ। अब अगर इस ओथ को, इस दोनों गवाह ये कसम उठाएंगे, अगर इस कसम को फैमिली वाले मान लेते हैं तो वसीयत लागू हो जाएगी, लेकिन अगर फैमिली वाले चैलेंज करते हैं कि नहीं ये कसम उठा रहे मगर फिर भी हम मानते कि झूठे हैं, तो ऐसी सूरत में कहा जाएगा फिर अब तुम हलफ लो आकर। तो अगर फैमिली में से दो, फर्ज करें मिस्टर ए हैं जिनके बच्चे हैं जिनमें तकसीम होना है, तो उनके दो बच्चे जो है वो आ जाते हैं, वो खड़े होकर कसम उठाते हैं कि हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि हमारी गवाही सच्ची है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे अब्बा ऐसी वसीयत कर ही नहीं सकते थे, और अगर हम लोगों ने कोई ज्यादती की इनकी गवाही को रद्द करने में तो हम गुनहगार हैं, सारा जुल्म सारा गुनाह हमारे सर पर। अगर वो दोनों फैमिली के लोग ये कसम उठा लें तो फिर वसीयत रद्द कर दी जाएगी और इन लोगों को कानूनी वरासत के मुताबिक हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, जाली का अदना ये ज्यादा करीब है, या तो वो लेकर आए भी शहादती गवाही अलावा जी हाँ मुंह पर, और ये खाफ या वो डरे अंत के रद्द कर दी जाएगी ऐमान उनकी कस्में बाद ऐमान ही उनके उनकी कस्मों के साथ। अल्लाह कहते हैं ज्यादा नजदीकी तरीका है, ज्यादा अच्छा तरीका है, गवाही उनको डर रहेगा, झूठी गवाही कोई नहीं देगा, उनको डर रहेगा कि हमारे मुंह पर दूसरी गवाही खड़ी कर दी जाएगी और हमारी कसम के बदले में पूरा सा कसम उठा लेंगे तो उनकी कसम मानी जाएगी, तो हमें नफा कोई नहीं हो, यानी कि फिर वो लोग चाल चलना ही छोड़ देंगे, नफा ही कोई नहीं है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वस्मऊ, बात तवज्जो से सुना करो, अगर कोई जिम्मेदारी की बात कही जाए तो उसे ध्यान से सुनो, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। यौमा यजमउल्लाहु रुसुला, जिस दिन अल्लाह जमा फरमाएगा रसूलों को, फयकूलु, कहेगा, माजा उचित तुम, बताओ तुम्हें क्या जवाब दिया गया, कालू, वो कहेंगे, ला इल्म लाना, अल्लाह हम नहीं जानते, इन्ना का अंता अल्लामुल गुयूब, तू सब जानता है, गैबों का जानने वाला है तू, यानी कयामत के दिन अल्लाह सब रसूलों को इकट्ठा करेंगे और पूछेंगे बताओ तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हारी तबलीग का क्या जवाब दिया, रसूल कहेंगे अल्लाह जी आपको सब पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, इसका अल्लाह या ईसा बना मरियमा, उसी दिन अल्लाह कहते हैं मैं पूछूंगा ईसा बिन मरियम से, उस कुर्नीमती मेरी नेमत याद कर, अलैका तुझ पर की मैंने, वाला वालिदा थी को तेरी माँ पर भी की, उस दिन अल्लाह सुबहाना व तआला कहते हैं मैं ईसा बिन मरियम को भी बुलाऊंगा। अब याद रखे के बात ईसा अलैहि सलाम की चल रही है कि लोग उनको खुदा का बेटा मानते हैं, तो अल्लाह पाक कहते हैं कि ईसा बिन मरियम को मैं तलब करूंगा और कहूंगा ईसा मेरी नेमत याद कर जो तुझे और तेरी माँ को मैंने अता की, इस अयत तुका बिरुहिल कुदुस, याद कर मैंने तुझे जिब्राइल के जरिए मदद दी, तुकल्लिमुन नासा फिल महदी वकहलन, तुझे मैंने ये मुजजा अता किया कि तू लोगों से कलाम करता था माँ की गोद में भी और बुढ़ापे में भी, यानी कि इसमें दो बातें इकट्ठी आ गई, एक तो वो जो माँ की गोद में बोले थे और दूसरा आप कुर्बे कयामत में जब वो उतारे जाएंगे और अपनी जिंदगी पूरी करेंगे, दोनों रेफरेंस आ गए। वल जल्लम तु कल किताबा, मैंने तुझे तालीम दी किताब की, वल हिकमत हिकमत की, वत तौरा तवल इंजील, और तौरा तो इंजील दो किताबें सिखाई तुझे, वल तखलुका तखलुकु मिनत तीनी कहाई अतित्वई, याद कर मेरे हुक्म से तू बनाता था मिट्टी से परिंदों के मुजस्समे, बिइज्नी मेरे हुक्म से, फतनफुहू फीहा, उनमें फूंक मारता था, फतकूनु तुइरन बिइज्नी, और मेरे हुक्म से वो जिंदा परिंदे बन जाते थे, फतुबरी उल अकमहा, और तू अच्छा करता था पैदाइशी अंधे को, वल अबरसादा बरस के बीमार को, बिइज्नी मेरे इज्न से, बरस ये जैसे फुलबैरी की बीमारी जिसे आप कहते हैं, यानी अल्लाह कहते हैं कि मैं सारे मोजे गिनवाऊंगा ना, उनको याद दिलाऊंगा, और उनको तो वैसे ही याद है, ये हमारे बयान के लिए हो रहा है असल में, हमें समझाने के लिए कि वो सब कुछ तो अल्लाह की देन थी, वह इस तुख जुल मऊता भी इज नहीं, और तू मुर्दे जिंदा कर निकालता था मेरे हुक्म से, वह इस कफफ तू बनी इसरा ईला अन का, और याद कर जब मैंने बनी इसराइल को तुझसे रोका, यानी कि तुझे बनी इसराइल से बचा लिया,
जब बनी इसराइल ने हजरत ईसा अलैहि सलाम को सलीब चढ़ाने का फैसला किया था तो अल्लाह ने उठा लिया ना, उसकी तरफ इशारा है। इस जीत का हम बिल बयीना थी, तो उनके पास रोशन दलीलें लाया था। फकाल अल्लज़ीना कफरू मिनहुम, तो उनमें से काफिर बोले इन हाज़ा इल्ला सिह्र मुबीन, जो कुछ ईसा दिखाता है तो जादू है, मुजज़ा नहीं माना ना, तो जादू कहने लगे। वइज़ अवहैतु इलल हवारीना, और याद कर मैंने तेरे हवारियों पर, तेरे सहाबियों पर वही उतारी, अन आमिनु बी व बि रसूली, ईमान लाओ मुझ पर और मेरे रसूल पर। वही से मुराद वो वही नहीं है जो नबियों पर आती है, यानी अल्लाह कहते मैंने उनके दिल में ये बात डाल दी। आजमाइश सख्त थी ना ईमान वालों की। हजरत ईसा अलैहि सलाम को सूली चढ़ाने का जब फैसला किया गया तो ईसा अलैहि सलाम रूपोश हो गए, छुप गए। तो उस वक्त में फिर उनके सहाबा पर बड़ा मुश्किल टाइम था, मुसलमानों पर बड़ा तशद्दुद था, बहुत जुल्म था कि बताओ ईसा कहाँ है। तो उन्होंने बड़ा साथ निभाया ईसा अलैहि सलाम का, माशाल्लाह। तो अल्लाह कहते हैं मैंने ही उनके दिल में ये बात डाली ना कि तुम्हारा साथ दे। कालू, उन्होंने कहा आमन्ना, हम ईमान लाए, वशहद भी अन्ना मुस्लिमून, ए ईसा आप गवाह रहिएगा हम तो मोमिन हैं। इस काल हवारियूना, और वो वक्त याद करो ईसा जब हवारियों ने कहा या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, हाई रस्तकी रब्बुका, क्या आपका रब ये ताकत रखता है, हाँ युनजिला अलैना मा मिन समा, के आसमान पर हमसे एक दस्तरखान उतार दे। तो माईदा का मतलब दस्तरखान होता है, नाम रखते हैं मत रखा करें, कोई नाम बनता नहीं है ये। हवारियों ने कहा कि ईसा बिन मरियम, क्या आपका रब ये ताकत रखता है कि आसमान से एक दस्तरखान उतारे। अब देखें कि कहीं ना कहीं उनमें अकीदे की कमजोरी थी ना, अल्लाह के बारे में उनका तसव्वुर कितना महदूद था, और यहूद उनको मुसलसल बरगला रहे थे। कालत तकुल्लाहा, ईसा अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह से डरो, इन कुन तुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो, तो तुम कैसे, तुम अल्लाह को जज करना चाहते हो, तुम अल्लाह की ताकत को चेक करना चाहते हो, मोमिन हो तो ऐसी बातें मत करो। कालू, उन्होंने कहा नुरीदु, हम चाहते हैं अन नाकुला, हम खाए मिन्हा उसमें से, वतत्मा इन नाकुलूगुना, और हमारे दिल मुतमाइन हो जाए। वो कहने लगे कि वो खाना हमारे सामने और हम मुतमाइन हो जाए। अब ये यहूद नस्लन तो यहूदी थे ना, और इनके गिर्द मजहब के बहुत सारे यहूदी थे, तो ये चैलेंज हो सकता है किसी मुनाफिक ने ही सुझाया हो। बहरहाल ये इस बात पर अटके और मूसा अलैहि सलाम से कहा वह नालमा, हम जान ले, अनकद सदकतना, कि बेशक आपने जो कुछ हमसे कहा सच है, वह नकून, और हम हो जाए अलैहा मिन शाहिदीन, इस पर गवाह। क्यों, कहने लगे हम सिर्फ ये चाहते हैं कि दस्तरखान हमारे सामने उतरे, हम उसमें से खाना खाएं, और हमें हमारे दिल पक्की हो जाए कि आपने हमसे सच कहा है और हम आपकी सच्चाई पर गवाह बन जाए। ईसा अलैहि सलाम ने दुआ की, काला ईसा बिन मरियमा, ईसा बिन मरियम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा रब्बना, ए हमारे रब अल्लाह जी, अंजिल अलैना मा'इदतन मिनस समा, हम पर आसमान से दस्तरखान उतारिए, तकूनु लना ईदल लि अव्वलीना व आखिरीना, कि ये हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन हो जाए, कि ये हमारा ऐसा दिन हो जाए कि हम इस पर खुशी मनाएं, व आयत मिनका, और आपकी जानिब से ये एक निशानी हो जाए, वरजुकना, हमें रिज़्क़ अता फरमा, व अंता खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतरीन राजिक है। हजरत ईसा अलैहि सलाम ने दुआ मांगी, अब जवाब आया काल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, हाँ मैं आप पर दस्तरखान उतार दूंगा। ईसा फमै यकफुर बादु मिनकुम, फिर जिसने इसके बाद कुफर किया, फा इन्नी उअज़्ज़िबुहु, मैं उसको अजाब दूंगा, अजाब अल्लाह उअज़्ज़िबुहु, ऐसा अजाब जो पहले कभी नहीं दिया गया आहदिन किसी एक को, मिनल आलमीन अहले आलम में से। अल्लाह ने कहा कि ईसा मैं दस्तरखान तो उतार दूंगा, मगर इसके बाद अगर तुम्हारी कौम ईमान ना लाई तो जो ईमान नहीं लाएगा मैं उसे ऐसा अजाब दूंगा जो तमाम जहान में किसी को नहीं दिया गया होगा। अब इस पर कुरान और हदीस खामोश है, हम नहीं जानते कि दस्तरखान उतरा या नहीं उतरा, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि नहीं उतरा, क्योंकि अगर उतरा होता तो रोम तो तब भी तबाह हो गया होता ना, रोमन ईमान तो लाए नहीं थे ईसा अलैहि सलाम पर, तो मैं नहीं समझती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब अल्लाह से मदद मांगी थी ना मोजज़े के लिए, तो यही ऑप्शन रखा गया था। कुफ्फारे मक्का ने आपके सामने ये ऑप्शन रखा था कि ये पहाड़ जो है ना ये रास्ते से हट जाए और हमारे लिए सहरा में जो है वो पानी जारी हो जाए, या फिर आपका घर सोने का बन जाए, इनमें से कोई एक मौजजा करके दिखा दो खड़े कदमों, तो हम ही मान ले आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी तो अल्लाह ने मैसेज भेजा, और जिब्राइल ने आकर कहा कि अल्लाह ये मौजजा तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपकी कौम ईमान ना लाई तो मोहलत खत्म है, और अगर आप मौजजा नहीं मांगेंगे तो फिर मोहलत भर जाएगी, चुनिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहलत को चुना, समझ गए। तो ईसा अलैहि सलाम ने अगर उस वक्त फिर ख्वान उतरवा लिया होता, यानी कि अल्लाह से कहा होता कि अल्लाह जी नहीं मुझे ख्वान ही चाहिए, तो ऐसी सूरत में फिर रोमन इमाम तो लाए नहीं थे उस वक्त यहूदी, रोम पर गवर्निंग गवर्नमेंट उन्हीं की थी ना, तो इमाम तो लाए नहीं थे,
तो फिर तो तबाह हो गए होते, मगर वो तो आबाद रहे। इसका मतलब है कि दस्तरखान आया नहीं, सिर्फ दुआ मांगी। फैज काल अल्लाह या ईसा ना मरियमा, और याद करो कयामत का दिन जब आएगा और अल्लाह पूछेंगे क्या ईसा इब्ने मरियम आन तक कुलता लिन्नास, यानी अल्लाह फरमा दे कि ईसा जो इतने मुअज्जिज़ बंदे हैं, एक बात तो ये कह दे अल्लाह कि कयामत के दिन मैं सारे एहसानात ईसा को गिनवाऊंगा और फिर पूछूंगा ईसा अब बता तू ये करके आया। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि इतने मुअज्जिज़ जो ईसा है उनका भी हिसाब होगा, तो तुम लोग क्या चीजें हो। वइज़ काल अल्लाह या ईसा बना मरियम, कयामत के दिन पूछेंगे अल्लाह ए ईसा इब्ने मरियम आन तक कुलता लिन्नास, क्या तूने लोगों से कहा था इत्तखिज़ूनी बना लो मुझे वो उम्मी और मेरी माँ को इलाहैनी दो खुदा मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर, तो तुमने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो, यानी लोग हजरत मरियम को भी तो यानी कि खुदा की अम्मी कहकर उनकी भी तो प्रस्तिश करते ना, बुत वगैरह लगाते हैं। अकानी में सलासा में शामिल नहीं करते, तीन खुदाओं में शामिल नहीं करते, मगर उनको भी तो देवी मानते हैं ना इस तरह की। तो अल्लाह ने कहा तुमने कहा था, काला ईसा कहेंगे सुबहाना का अल्लाह जी आप पाक है, मा यकून ली मुझे कोई अख्तियार नहीं था अन अकूला के मैं कहता मा लैसा ली भी हक्किन जो कहने का मुझे कोई हक नहीं है, इन कुंतु अगर कहा अगर था कुलतु हूँ मैंने कहा इस बात को फकत अलीम तहु अल्लाह आपको पता होता, यानी ईसा कहेंगे कि अल्लाह जी आप पाक है मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैं ना हक बात कह ही नहीं सकता था, और अगर मैंने कोई ऐसी बात की होती आपको पता होता, तालमु माफी नफसी आपने दिल का हाल जानते हैं, वला आलमु माफी नफसी मैं आपके दिल का हाल नहीं जानता, इन नकान तालामुल गयूब अल्लाह गैबों के जानने वाले हैं, यानी अल्लाह सुबहाना तआला के सामने ईसा अलैहि सलाम अपनी बरात जाहिर करेंगे कि अल्लाह जी मैंने नहीं कहा, माँ कुलतु लहुम नहीं कहा था मैंने इन लोगों से इल्ला सिवाय उसके माँ अमरतनी भी जो आपने कहने को हुक्म दिया, यानी मैंने अपनी उम्मत को वही कहा था जो आपने मुझे हुक्म दिया था, अनीबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम और वो बात ये थी कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा तुम्हारा रब है, वकुंतु अलैहिम शहीदन और मैं इन पर गवाह था, मा दुमतु फीहिम जब तक मैं इनमें रहा, फलम्मा तबफ्फैतनी फिर जब आपने मुझे फोत कर दिया, कुंत अंत रकीब अलैहिम तब आप ही इन पर निगरान थे, यानी जब तक मैं इनके दरमियान जिंदा रहा तब तक तो मैं निगरान था, फिर जब आपने मुझे उठा लिया फिर उसके बाद दोबारा उतारा फिर मैं फोत हो गया, तो उस सारे अरसे में जो शिर्क इन्होंने किया पहली और दूसरी बार में वो आप जानते हैं मैंने, वान ताला कुल्ली शहीन शहीद अल्लाह हर चीज पर गवाह है, याद रखिएगा यही रफली रफली जवाब होगा हर उस नेक बंदे का जिसे आमाजगा बनाया गया पूजा की, जैसे अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर शिर्क करते ना, तो अल्लाह पूछेंगे कयामत के दिन के लिए तुमने कहा था, तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहेंगे अल्लाह जी मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा आपको पता, इन तुअज्जिबहुम फइन्नहुम इबादुका अगर तू इन्हें अजाब दे तेरे बंदे हैं, वइन तग़फिर लहुम अगर तू इन्हें बख्श दे फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम तो गालिब और हिकमत वाला। अनस कहते हैं कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और सूरह माईदा पढ़ी और इस आयत पर आए और बस ये आयत पढ़ते जाते और रोते जाते सारी रात इसी हालत में गुजर गई कि अल्लाह अगर तू अजाब दे तो तेरे बंदे हैं, बख्श दे तो तू मालिक है। अल्लाह अकबर, काल अल्लाह अल्लाह फरमाएंगे जवाब में इनके, जब ईसा अलैहि सलाम जवाब देंगे तो अल्लाह कहेंगे हाजा यौम ये वो दिन है यनफुस सादिकीना सिदकुहुम कि सच्चों को उनका सच नफा देगा, यानी कि आज आपने सच बोला और जो भी सच बोलेगा वो नफा पाएगा, लहुम जन्नात उन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार खालिदीन फीहा अबदा उनके लिए वो बागात है जिनमें वो हमेशा रहेंगे अबद तक, रदी अल्लाह अन्हुम अल्लाह उनसे राजी हो गया, व रदू अन और वो अल्लाह से राजी है, जालिकल फौजुल अजीम ये बड़ी कामयाबी है, लिल्लाहि मुल्कु समावाती अल्लाह के लिए है, समावाती वल अर्द अल्लाह के लिए है, आसमान और जमीन की बादशाहत वमा फीहिन्न और जो कुछ इसके दरमियान है, आसमान और जमीन और उसके माबैन जो कुछ है सब अल्लाह की मलकियत है, वहु वाला कुल्ली शैइन कदीर अल्लाह बहुत ही कुदरत रखने वाले रब हैं। अब देखें इतनी आयतें आपने पढ़ी इनमें कोई बहुत ज्यादा वजाहत तलब बात नहीं थी, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे आयतें इतनी वाजे होती जाएंगी कि वजाहत की जरूरत कम होती जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह हम पर मंजिल आसान फरमा दे। तो देखें अल्लाह ने तौहीद पर बात खत्म की, तौहीद ही से सूरत शुरू भी हुई थी कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिन नेक अफराद को, दो तरह के लोग हैं जिनको पूजा जाता है, एक जिनको हम नेक मान लेते हैं वो नेक होते नहीं है, झूठे पीर फकीर बाबे वो तो जहन्नुमी है जहन्नुम में जाएंगे, दूसरे वो सच्चे और अच्छे लोग हैं अल्लाह के, उनमें नबी भी शामिल है उनमें फरिश्ते भी शामिल है और उनमें अल्लाह के नेक बंदे भी शामिल हैं, आम अफराद हमारी जैसे हमारे सहाबा हैं अली रजी अल्लाह तआला अन्हु है, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु है और कई बुजुर्गाने दीन है जैसे अब्दुल कादिर जिलानी है अलैहि रहमा के ये गुमान है कि नेक इंसान थे, अली बिन उस्मान हिजवेरी अलैहि रहमा है कि नेक इंसान थे, तो इन जैसे लोगों को जो खुदा बना लिया गया पूजा जा रहा है उनसे जो कुछ मांगा जाता है
तो उन्होंने तो नहीं सिखाया, तो कयामत के दिन वो तो हाथ उठा देंगे और पकड़े जाएंगे फिर वो जो उनको पुकारते थे। तो शिर्क से बचना है जी, शिर्क की मदद से अल्लाह हम लोगों पर रहम फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए तौहीद पर कायम रहने की। सूरह मायदा खत्म होगी, अब सूरह अनाम इंशाल्लाह अगली क्लास में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।